हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ऑली बोर्ड पे RRB क्लर्क का लाइव मॉक चल रहा है। अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाइए, अटेम्प्ट कीजिए। ये मॉक बिल्कुल फ्री है और ये मॉक कल शाम 7 बजे तक ही लाइव रहेगा। अगर आप इस मॉक को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ऑली बोर्ड के ऑफिशियल साइट olibord.in या तो फिर ऑली बोर्ड के ऐप के थ्रू इस मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस मॉक के लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। दोस्तों, मैं भी जस्ट अभी अटेम्प्ट करने ही जा रहा हूँ, तो आइए मॉक स्टार्ट करते हैं। टेक टेस्ट, ये 15 मिनट 15 सेकेंड आपको वेट करना होगा। ये इनका एड चल रहा है। स्टार्ट टेस्टिंग ये हो जाएगा। SACRSITY, ठीक है। SACIRRSTY क्या बोला है? कितना है? रिमेन सेम ना, सेम प्लेस। 1 2 3 4 5% GMO एस एक्स बेयर बॉर्न इन 5 डिफरेंट डेज इन द सेम मंथ ऑफ जुलाई 2023 बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। एस बज बॉर्न ऑन 21 जुलाई। चलो ठीक है, एस 21 जुलाई को अगर है। देर वेयर 4 डेज बिटवीन, ये दोनों के बीच में 4 है, एस और जी, तो हो जाएगा 21 4 25 एक 26 हो जाएगा ना, 22 23 24 25, तो ये हो जाएगा क्या जी? ना जी, 26 हो जाएगा, दूसरा पॉसिबिलिटी में हो जाएगा एस 21, तो जी 20 19 18 17 16 हो जाएगा जी। जी बर्थडे इज ट्वाइस ओ, बर्थडे इज ट्वाइस ओ का अगर 26 वाले में 13 होगा और 16 वाले में 8 हो जाएगा, ठीक है। एम बाज एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड एस, ओ एस के एग्जैक्टली बीच में एम है। 8 7 15 15 6 21 नहीं, 13 7 1 8 हो जाएगा, 4 हो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो जाएगा कितना? ये भी 12, ये भी 12 आ रहा है भाई। किसके किसके बीच में है? एम बज बॉल एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड एस, इसके बीच में 8 है, 21 में से 8 जाएगा 12, 13 होता है ना, 13 6 7 हो जाएगा, 7 15 हो जाएगा, मतलब कि किसका? हम 15 13 7 1 8 हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन एक्स बज बॉर्न इमीडिएट आफ्टर एम, तो एक्स हो जाएगा 15 के जस्ट बाद 16 हो सकता है, लेकिन 16 तो ऑलरेडी हो रखा है भाई जी का। चौदह 15 16 17 18 19, सत्रह 18 19 20, 14 15 16 17 18 19 20, 7 हुआ ना, 13 4 17 हो सकता है इसका, 17 हुआ ना, एम का 17 और एक्स का 18,
हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकेंड इल्डेस्ट पर्सन, सेकेंड इल्डेस्ट हो गया यस, एक्स पाज बोर्न ऑन 18। हु एमोंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न बिटवीन ओ एंड जी, ओ और जी के बीच में, 13-26 के बीच में, एम एक्स एस, ये तीनों। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एक्स एंड जी के बीच में 18, आठ का डिफरेंस हो जाएगा, हो जाएगा सिट ऑन चेयर, ड्यूटी ऑन टेबल, ठीक है, स्टडी टाइम टेबल, उसके बाद भी है क्या, टाइम टू सिट, UBBY GT IRHS IRHS GT, ठीक है, HSFU HSFU IR, ठीक है, FUBYAZ, ठीक है, डू अ स्टडी ऑन टाइम। व्हाट इज द कोड फॉर डू अ स्टडी ऑन टाइम, डू क्या है, क्या डू तो है, स्टडी हो जाएगा IR/HS, ऑन का हो जाएगा GT, टाइम का हो जाएगा FU GT FU, GT FU IR KL, KL है, KL नहीं तो ये हो सकता है, HS PK का है, GTFU, पता नहीं इसका, मुझे ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, CND का ऑप्शन देना चाहिए था इसका। द कोड इज कोड फॉर टाइम इज बाई नहीं है, सिटी नहीं है, स्टडी आई आर हो भी सकता है बट डेफिनेट नहीं है, चेयर यू भी ऐसे ही है। अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली, सीट एजेड नहीं है, स्टडी एच एस नहीं है, एच एस हो भी सकता है बट डेफिनेट नहीं है, ऑन यू भी नहीं है, टाइम FU, रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द 7 डिफरेंट फ्रॉम सैली, एमा, ग्रेस, ईसा, आर, ठीक है, डू ई है सिर्फ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, इवन टू 7, ठीक है, आई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट में आई है, ठीक है, नाइदर आई नॉट जी केप्ट एट एंड पे नहीं है, ठीक है, ए गिफ्ट इज केप्ट ऑन 5th स्टैक, एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ए यहाँ पे, ठीक है, एली गिफ्ट इज केप्ट ऑन ऑड नंबर स्टैक, एली ऑड पे है, ठीक है, लिली गिफ्ट केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ एली, एली के गिफ्ट में एल बैठा, ठीक है, नोरा गिफ्ट सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, एल के सेकेंड राइट में एन हो जाएगा, ठीक है, नोरा, ये हो गया, यहाँ पे
1 2 3 4 5, ये यहाँ पे अगर ग्रह जी से इमीडिएट लेफ्ट में आई लिए, यहाँ पे जी के इमीडिएट लेफ्ट आई यहीं पे होगा इस वाले में यहाँ पे। तो अब देखिए एली कोड पे लेना होगा, तो एली यहाँ अगर लेते हैं तभी लिली के लिए इधर जगह होगा, लिली के सेकंड लाइट में नोरा के लिए जगह नहीं है, पॉसिबिलिटी गलत हो गया, ये यहाँ पे हो गया इस वाले में। जी यहाँ पे, आई यहाँ पे, ठीक है, तो ई यहाँ पे, एली यहाँ पे हो जाएगा ऑड पे, लिली यहाँ पे, लिली के सेकंड लाइट पे नोरा, बिल्कुल सही। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एमा गिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू नोरा गिफ्ट? नोरा से एमा गिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टू द लेफ्ट, ठीक है। हाउ मेनी गिफ्ट आर अरेंज बिटवीन एली एंड ईसा गिफ्ट? ईसा और एली, दो दो चार, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड फ्रॉम द रेस्ट? ऑड फ्रॉम द रेस्ट ईमा, ठीक है, एली, ईमा, एली, तो 3 4 5 6 7, ईमा, एली, ठीक है, लिली, चार हो गया, ग्रे, तीन हो गया, मतलब लिली आंसर हो जाएगा इसको। गिफ्ट इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, लीले, एल, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एमा गिफ्ट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट है एमा, जी के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द, गलत है। ए गिफ्ट इज टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट में, ए, गलत है। नोरा गिफ्ट गिफ्ट इज वन ऑफ द इंट, नोरा, ये भी गलत है। लीलिंग फोर्थ ऑफ दिस स्टेक सही, इसको फिलहाल मार्क फोर भी लगा दे रहे हैं। इफ द फोर इफ टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन हाउ मेनी नंबर्स फोन वुड बी डिविजिबल बाई थ्री, ठीक है, 8 4 12 13, 13 में से 2 जाएगा तो 11, ये नहीं हो जाएगा, 3 2 6 4 10, 10 हो जाएगा, 8 नहीं है, 8 5 4 9 7 16, 16 में से 2 जाएगा, 14 ये भी नहीं, 6 4 10 5 15 में से 2 जाएगा, 13 ये भी नहीं, 8 2 10 7 17 में से 2 जाएगा, 15 एक आंसर हो जाएगा। इफ द गिवन नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट इज द सेकेंड डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे फोर्थ, 300, देखो 700 है, 600, ये हो जाएगा फोर्थ पे, इसका सेकंड डिजिट 5 है, इफ द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, देन बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बिकम द सेकेंड हाइएस्ट, देन बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बिकम सेकेंड हाइएस्ट, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देंगे, देखो इसमें एक है, ठीक है, एक, इसमें 2 है, ये भी नहीं, 4 से स्टार्ट है, ये भी 4 से स्टार्ट है, 3 से 3rd पे, 4th पूछा है ना, नंबर वुड बी द सेकेंड हाईएस्ट, हाईएस्ट हो जाएगा 4 5 6, ये 4 5 7 है, तो ये सेकेंड हाईएस्ट है, ये हो जाएगा 654, एस ग्रेटर देन ओ, एस ग्रेटर देन ओ तो नहीं है, जेड ग्रेटर देन जी, जेड ग्रेटर देन जी, बिल्कुल सही है, ओनली सेकेंड फॉलो। ई ग्रेटर देन ए, ई ग्रेटर देन ए, इधर ही हो जाएगा इसका, के ग्रेटर देन बाई, के ग्रेटर देन बाई नहीं होगा, एक्स ग्रेटर देन डी,
मीटर हो जाएगा इसका 8 persons ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर्स 2 persons सीट बिटवीन सी एंड 8 persons है ना। एक दो तीन चार ठीक है फेसिंग द सेंटर 2 persons सीट बिटवीन सी एंड एफ सी दो छोड़ के एफ सी दो छोड़ के एफ ठीक है एफ वो सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए एफ सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई ई के सेकंड राइट में सी अभी रहने दे रहा है। डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ एफ के थर्ड लेफ्ट डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ ठीक है एफ के थर्ड लेफ्ट में डी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पॉसिबिलिटी कट गया एफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में डी यहाँ पे हो गया ठीक है। अब देखो ई के सेकंड राइट में जी यहाँ पे एक जो बच्चा है यहाँ पे एच सी द इमीडिएट राइट ऑफ बी बी एच के इमीडिएट राइट में बी यहाँ पे सही अपोजिट ऑफ ई ई के अपोजिट में है बी। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन जी एंड एच जी एंड एच बीन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी दो चार मोर देन 3 पर्सन सीट्स बिटवीन जी एंड एफ जी और एफ आमने सामने है 3 हो जाएगा। फोर ऑफ द फाइव आर रिलेटेड टू द सेम पेयर सी और बी के बीच में दो एक साइड से दो एक साइड से चार ए और डी के बीच में आमने सामने एफ और जी के बीच में आमने सामने एच सी के बीच में आमने सामने पहला ही होगा सी और बी। एच सीट्स ऑफ ए ए के फर्स्ट सेकेंड टू द लेफ्ट सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर ऑफ फेसिंग द साउथ 11 persons सीट बिटवीन जी एंड के ठीक है जी और के जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के ये एक साइड में के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जी ठीक है। के हुज सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए ए के इमीडिएट राइट में के हो जाएगा ए के इमीडिएट राइट में के हो जाएगा ठीक है। ये चीज 9 टू द लेफ्ट ऑफ एक्स एक्स के 9 लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एच हो गया ठीक है। अब बोला एक्स हू सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू क्यू के फोर्थ लेफ्ट में एक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एक्स द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एच एच के लेफ्ट में जितना उतना ही राइट ऑफ ए ठीक है। बी सीट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एस एस के फिफ्थ राइट में बी हो गया एंड एस सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी जी के सेकेंड लेफ्ट में बी जी के सेकंड डायरेक्ट बैठा दे रहे हैं जी के सेकंड लेफ्ट में बी यहाँ पे हो जाएगा जी के सेकंड लेफ्ट में बी यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। ओनली 2 persons सीट बिटवीन एच एंड एस एच ओ एस के बीच में 2 persons है एस हु सीट्स एट एंड ऑफ 0 ठीक है। बी और सी हो गया बी जी तो बैठा दिया बी एस के फिफ्थ राइट में है एस के फिफ्थ राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राइट में बी हो गया एस के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राइट में बी हो गया ठीक है। अब देख यस बोला एस एंड पे है एस दो छोड़ के एच है ये देखिए ये पॉसिबिलिटी कट गया एच दो छोड़ के एस दो छोड़ के एच यहाँ पे हो गया एस इंड पे है। अब देखिए ए के राइट में जितना था मतलब एच के लेफ्ट में 3 है ए के लेफ्ट में भी 3 होगा यहाँ पे हो गया ठीक है। देखिए एच एक्स के 9th लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 9th यहाँ पे हो गया ठीक है। एक्स 3 छोड़ के क्यू है 1 2 3 छोड़ के क्यू ए इसी साइड हो ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन लीनियर रो 2 2 4 2 6 2 8 2 10
दो 12 दो 14 दो 16 दो 18 दो 20 दो 22 हुए। अमंग द फॉलोइंग सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में के हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में, दो दो चार एक पाँच इज सेम, दो दो चार पाँच बी के राइट में। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन के एंड एक्स, के एंड एक्स के बीच में, दो दो चार दो छः, मोर देन फाइव। देर आर सेवन हाउसेस पी क्यू यू पी क्यू आर एस टी यू भी, पी इज 5 मीटर बेस्ट ऑफ टी, पी इज 5 मीटर बेस्ट ऑफ टी। इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ टी, ठीक है। एस इज द साउथ ऑफ टी, एस इज 6 मीटर साउथ ऑफ टी यहाँ पे, ठीक है। आर इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ एस, आर इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ एस, सही है। यू इज 9 मीटर साउथ ऑफ आर, यू इज 9 मीटर, क्या लिखा, यू इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, ठीक है। बी इज 4 मीटर बेस्ट ऑफ यू, बी इज 4 मीटर बेस्ट ऑफ यू, ठीक है। क्यू इज 4 मीटर साउथ ऑफ एस, क्यू इज 4 मीटर साउथ ऑफ एस। द डिस्टेंस बिटवीन क्यू टी, क्यू और टी इज 6 4 10, फाइंड द ऑड वन, पी टी, पी टी सही है, एस आर, एस आर भी सही है, बी यू भी सही है, यू टी, यू टी गलत है। इन विच डायरेक्शन क्यू विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्यू विथ रिस्पेक्ट टू बी साउथ ईस्ट। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, देयर भी विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई सिंबल एंड आर इमीडिएट सक्सीडेड बाई नंबर, सिंबल सिंबल नंबर, डबल सिंबल नंबर नहीं है, डबल नन हो जाएगा इसका आंसर। बीच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट बीच इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट इन 10th, टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड हो जाएगा, दो दो चार छः, दो आठ दो दस, छः हो जाएगा। इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप स्ट्रिंग्स देन विच एलिमेंट इज 9th पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड, 9th पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड, क्या ड्रॉप है नंबर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इमीडिएटली सक्सीडेड एंड प्रीसीडेड बाय सिम, सक्सीडेड बाय सिंबल, लेटर प्रीसीडेड बाय, पहले है सक्सीडेड सिंबल है, लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर, लेटर नंबर सिंबल एक, लेटर नंबर सिंबल दो, लेटर नंबर सिंबल तीन, इसको फिलहाल रहने दे रहे हैं। 6 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू भी हैव डिफरेंट हाइट, 6 पर्सन, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। 2 पर्सन आर शॉर्टर देन पी, पी यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्यू इज टॉलर देन पी, क्यू इज टॉलर देन पी, ठीक है, बट शॉर्टर देन बी, ठीक है। आर इज शॉर्टर देन टी, ठीक है, बट टॉलर देन यू, ये भी सही है। टी इज टॉलर देन बी, टी बी से बड़ा, बट आर इज शॉर्टर देन बी, आर इज शॉर्टर देन बी, अच्छा ये तो हो गया।
टी सबसे पहले, फिर भी, फिर क्यू, फिर आर, फिर यू। ठीक है, द टॉलेस्ट पर्सन इज 184, सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन इज 184 एंड 165। ठीक है, बीचो व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ टी, 184 से ज़्यादा 187। वो अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट हाइट, यू। इफ द टू पी आर इज 362, 362 माइनस 184, सॉरी 165। पी आर कितना है, 326 है ना, -165, एक 12 में से 6 जाएगा 6, 161 आंसर हो जाएगा। इसको फिलहाल रहने दे रहे हैं, इसको मार्क फॉर रिव्यू लगा रहे हैं। प्लस प्लस का हो जाएगा माइनस 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 9 6 54। ठीक है, एक और एक दो, ठीक है, 6 माइनस 6 माइनस 6 बाई ग्रेटर इक्वल टू 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस प्लस का माइनस माइनस, ये माइनस माइनस, ये हो जाएगा 8 4 2 8, ये हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, बाई ग्रेटर इक्वल टू 100 इसका भी हो जाएगा। इसका हो जाएगा प्लस 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 दोनों हो जाएगा, 5 2 10 7 6 42। ठीक है, बाई ग्रेटर देन एक्स, बस 3 ही था। इसको मार्क फॉर रिव्यू लगा रहे हैं। पहले हम लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ। 36 36 है, ये हो गया 23 × 36 भागा 69, 23 × 69 3, 3 × 5 15 5, पंद्रह नहीं 7 35 7। देखो 23 × 36 भागा 69, ये हो जाएगा 12 3 36, 23 3 69, 23 23 कट गया, मतलब 12 आया आंसर, 12 3 3 9, 9 9 को कितना, 4/5, 4/3, 3 3 9, 3 4 12, 4/3 है। से 18 18 324, 324 हो गया, प्लस 154, 8 5 2 7, 478 हो गया, प्लस 38 816 के 6 बाकी, 1 11 के 1 बाकी, 516 516 602, मतलब हो जाएगा 84 2 86। ये हो जाएगा 3 3 × 6 × 56 भागा 144, तो ये हो जाएगा 6 2 12, 6 6 24, 46 बार में। ठीक है, इतना ये हो जाएगा 23 23, 6। ठीक है, यहाँ से आ गया 39 32 7, ये हो जाएगा 5 5 × 4 20 20 26 ऐसे 120, तो 80 आ जाएगा इसके आंसर। हो जाएगा 24 24 240, 120 120 और प्लस
120 प्लस 200, 200 220, 220 माइनस 3, 320, 320 माइनस 3 317 आंसर हो जाएगा, जाएगा 64, 64 128, 128 माइनस 100 आंसर इज 28। ये हो जाएगा कितना है, 5 2 10, 4 14 हो जाएगा कितना, 63 91, 91 माइनस 30 करेगा तो 61, 61 में से 3 जाएगा तो 58। ये हो जाएगा कितना, ये 25, 25 पाँच छः के 20, 21, 21 21 भागा 3 7, 7 49, ये हो जाएगा 3 12 36, 36 2 72, 72 3 75, ये हो जाएगा कितना, 4 4 में हिला रहा है तो इसका क्यूब हो जाएगा 6 8 8 3 24 के 4 बाकी 2 छतिया 18 2 20, 204, 204 माइनस 115 तो 85, 89। ये हो जाएगा 64 भागा 336, 56 भागा 512, 64 अट्ठी 8 बार में 8 7 56, 7 बार में 7 4 28, 7 8 56, 48, 48 गुने 12, 48 यहाँ के 480, 96 576, ये हो जाएगा यहाँ से 18 प्लस एक्स, ये 5 20 है, 24/5 इंटू 21, 21 देखो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 48, 504 हुआ, 504 प्लस 18, 18 4 22, वो नहीं माइनस हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा 504 माइनस 18 ना, 14 में से 8 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 486। ये हो जाएगा कितना, 3 5 6 का 6 18 के 8 बाकी 1, 6 5 30 31, 318 माइनस हो जाएगा 31 गुने 7, 7 1 7 और 31 गुने 7 ना 7 21, 01101 आंसर आ रहा है। वर्ड प्रॉब्लम पहले रहने दे रहे हैं, पहले TI कर ले रहे हैं, इससे पहले ये दिया है। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज मिनिमम एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, मिनिमम ना ये दोनों का गैप यहाँ पे कम है, 1 2, ओह ये दोनों के बीच नहीं, इससे इसका गैप होना, इससे ये दोनों का हो जाएगा 1999 आंसर होगा इसका। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट एंड राइस प्रोड्यूस इन 1995, व्हीट और राइस 95 में, ये हो जाएगा 35 35 दूनी 70 हो जाएगा, क्योंकि 2 कम है 2 ज़्यादा है, 70 हो जाएगा, 70:2 क्वांटिटी ऑफ व्हीट एंड राइस इन 98, ये हो जाएगा 40
सैंतीस, 70, 75, 14, 25, 70, 15, 25, 75, 14, 15, ठीक है, ये हो गया क्या? टोटल टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस इन 1999, टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस इन 1999, राइस इन 1999 हो गया कितना? 29। इज भाट परसेंट लेस देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस इन प्रीवियस ईयर? 40, 40, 11 भागा 40 इंटू 100, 1100 भागा 40, 40 दुनी 80, 28, 27, 27 पॉइंट समथिंग। व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑल द गिवन ईयर टुगेदर? व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस, राइस ऑल द गिवन ईयर? ये हो जाएगा 30, 3, 33, 33 और 30, 32, 32, 62, 62, 62 और 37, 99, 99 और 35, 134, 134 और 29, मतलब 40 दूनी 60, 63, 163, 163 के बाद आएगा, 63 के बाद 40, 203, 203, 203 भागा कितने ईयर? 2, 6, 6 तीय 18, 6 6 24, 34 है तो 33 पॉइंट समथिंग है। टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 95 से 97, वीट 95 से 97, ये हो जाएगा कितना? 37, ये हो जाएगा 30, 37 का 38, 38, 68, 68, 34, 102, 102 और 40, 142, 142 और 38, 180, 180 और ये हो गया कितना? 33, 213, 20 किया था यार। पीछे क्वेश्चन से आ सकता है, सॉरी कहाँ चला गया? कहाँ चला गया यार, मिल भी नहीं रहा, यही सब दिक्कत होता है, लापरवाही। दो सौ तीन था ना, 213 और 203।
98%, 30 को रहने दे रहा है, क्लियर रिस्पॉन्स जाएगा 200 203 भागा 213। अठारह सत्ताईस भाई मेरा तो 98 ही आंसर हुआ, और क्या था एक क्वेश्चन ये वाला ना, सेक्शन है ए बी सी जिसमें से बॉयज है और गर्ल्स है और टोटल हो सकता है, ठीक है। इन सेक्शन ये द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इज 36% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का 36% है गर्ल्स, ठीक है। इन सेक्शन बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60 है, ठीक है। आउट ऑफ बीच 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, इसमें से 30% गर्ल्स है, तो 36 18 ये हो गया, तो 42 बॉयज हो जाएगा, ठीक है। इन सेक्शन सी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स इज 5:3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए 48 यहाँ है, तो 48 हो गया कितना, 48 भागा 64 इंटू 100 नहीं 36 निकाल लो डायरेक्ट, 18 ये हो जाएगा 32, 9 ये हो जाएगा 16, 16 48 3 9 27, ठीक है 27 हो गया यहाँ पे। और बोला है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ए सी टुगेदर, ए और सी, ए में 27 इसमें भी 27, 3 का वैल्यू 27 तो 1 का वैल्यू 9, 5 का वैल्यू 45, ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ए सी टुगेदर, ए और सी टुगेदर इज 100% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन सी, 9/45, 9 5 45, 1/5, 20%। फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर बॉयज इन ऑल सेक्शन टुगेदर, ऑल सेक्शन टुगेदर 40 30 20 120 130 135। इफ द टोटल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन सेक्शन ए ऑफ क्लास 12th, इफ द टोटल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन सेक्शन ए ऑफ क्लास 12th, क्लास 12th इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन सेक्शन ए ऑफ 11th, 75 75 7 14 15 ज़्यादा है, तो 85 10 90 हो जाएगा, एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए ऑफ 12 इज 90, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी, गर्ल्स इन सेक्शन बी 18, बी और सी 18 27 18 36 46 45, टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी, बी का टोटल 60 है, 15 3 45 15 4 60, 3:4, फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ए, ए फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए 27 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सी 48 7 5 12 1 6 4 6 1 7 72 36, While working on a piece of wax, Manish and Kumar receive Manish and Kumar receives 1200 and
सौ। रिस्पेक्ट रिलीफ मनी से लोन कैन कंप्लीट इन 24 डेज। पचास एक दिन के 50 रुपया। पाँच पाँच 16। इफ मनी कैन कंप्लीट इन 24 डेज। देन हाउ मेनी डेज बिल एलोन कैन कंप्लीट द सेम। कुमार सिट मैन। दोस्तों मॉक सबमिट हो गया है, आइए स्कोर देख लेते हैं। इस मॉक में मैं केवल 64 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया, जिसमें से 61 क्वेश्चन करेक्ट हुए, 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए और मेरा टोटल स्कोर बना 60.25। वहीं सेक्शन वाइज देखे तो लॉजिकल रीजनिंग में मैं केवल 37 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 34 क्वेश्चन करेक्ट हुए, 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं और मेरा स्कोर बना लॉजिकल रीडिंग में 33.25। वहीं क्वांट सेक्शन में मैंने टोटल 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से सारे 27 क्वेश्चन सही हुए और क्वांट में मेरा स्कोर बना 27। ओवरऑल स्कोर 60.25। रैंक और परसेंटाइल तो कल इवनिंग 7 पे ही पता चलेगा, क्योंकि इस मॉक का रिजल्ट मंडे इवनिंग ट्यूजडे इवनिंग 7 PM पे जारी किया जाता है। तो अगर मॉक के लेवल की बात करूँ तो मॉक का लेवल एग्ज़ाम लेवल से थोड़ा सा हाई है, बट इतना भी हाई नहीं है कि अच्छा नंबर नहीं लाया जा सकता। लाया जा सकता है, डेफिनेटली लाया जा सकता है। और दोस्तों अगर आप इस मॉक को ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग में से जिन्होंने भी ये मॉक अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, वो जाइए अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट कर लेने के बाद वापस आकर आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।